विज्ञान जगत के सबसे बड़े दिग्गज अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे, ए ह्यूमन बीइंग इज पार्ट ऑफ ए होल कॉल्ड बाय अस यूनिवर्स, यानी एक इंसान इस विशाल का ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ये इसी ब्रह्मांड से पैदा हुआ है और एक दिन इसी ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाएगा। और शायद इसीलिए वैज्ञानिकों के दिमाग में हमेशा ही ये सवाल चलता रहता है कि आखिर कैसे हम इस विराट ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है। आखिर कौन सी वो चीज है जो हम इंसानों को इस यूनिवर्स से जोड़ती है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है और वो है इंसानी दिमाग। जी हाँ, इंसानी दिमाग ही वो चीज है जो हम इंसानों को पूरी ब्रह्मांड से जोड़ती है। लेकिन कैसे? इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। अंतरिक्ष टीवी के आज के इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग और यूनिवर्स के बीच मौजूद होश उड़ा देने वाले सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे, जो शायद आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो हेलो गाइस, मैं काशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। इंसानी दिमाग और यूनिवर्स के बीच मौजूद स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज। दोस्तों, वैसे देखने पर तो ब्रह्मांड की सुंदरता स्वर्ग में रहने वाली किसी अप्सरा से कम नहीं है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हम ह्यूमंस इस ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, तो क्या हम अप्सराएं हैं? नहीं। लेकिन क्यों ना आज हम ब्रह्मांड की इन संरचनाओं को ह्यूमन ब्रेन के साथ जोड़कर देखें? क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सी का स्ट्रक्चर इंसानी दिमाग में मौजूद कॉकलिया के स्ट्रक्चर से काफी मेल खाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन स्पाइरल गैलेक्सी में मौजूद ये जो ब्रांचिंग ऑफ लाइटनिंग है, वो हमारे दिमाग में मौजूद एक एक नसों यानी कि हमारे वेन्स के जैसे ही हूबहू दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। इस बात की पुष्टि पहले से कई बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट और न्यूरोसर्जन भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि इंसानी दिमाग का न्यूरल नेटवर्क और ब्रह्मांड का कॉस्मिक नेटवर्क ऑफ गैलेक्सीज देखने में काफी हद तक एक जैसा ही है। ऐसी समानताएं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगर हम इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के आकार की तुलना करें तो इंसानी दिमाग कंपैरेटिवली ब्रह्मांड के आकार से कई अरबों खरबों गुना छोटा है। पर फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन की संरचना में जो कॉम्प्लेक्सिटी और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी हद तक सेम है। जहां एक इंसानी दिमाग के सेरेबेलम के अंदर 69 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, वहीं इस ऑब्जर्वेबल कॉस्मिक वेव के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। दोनों की संरचना बिल्कुल एक जाल की तरह फैल कर कई सारे फिलामेंट्स के जरिए आपस में जुड़कर नोड्स को बना रही है। वैसे एक खास बात यह है कि न्यूरॉन्स और गैलेक्सीज के रेडियस के आकार का रेशियो अपने अपने फिलामेंट्स के हिसाब से एक समान ही है, और दोनों ही सिस्टम में नोड्स के जरिए इंफॉर्मेशन और एनर्जी का फ्लो टोटल एनर्जी और मास का 25% है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इंसानी दिमाग का कॉम्पोजिशन और ब्रह्मांड का कॉम्पोजिशन भी एक ही जैसा देखने को मिलता है, यानी कि जिन जिन पदार्थों से हमारा दिमाग बना हुआ है, हूबहू उन्हीं पदार्थों से हमारा ब्रह्मांड भी बना हुआ है। जहां इंसानी दिमाग का 77% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है, वहीं ब्रह्मांड का 77% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ होता है। हालांकि पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही पैसिव मटेरियल है, पर फिर भी ये दोनों चीजें इनडायरेक्ट तरीके से अपने अपने सिस्टम यानी कि दिमाग और ब्रह्मांड के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी प्रभाव डालते हैं। क्वांटिटेटिव सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम विद कॉस्मिक वेब। अब वैज्ञानिकों ने इंसानी सेरेबेलम के साथ साथ कॉर्टेक्स को भी कॉस्मिक वेव के ढांचे के साथ जोड़कर देखा। यहां पर वैज्ञानिकों को कॉर्टेक्स और कॉस्मिक वेव में होने वाले मैटर डेंसिटी के उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशंस को देखना था। खैर, कई रिसर्च के बाद ये पता चला कि इंसानी कॉर्टेक्स और कॉस्मिक वेव में जो मैटर डेंसिटी में उतार चढ़ाव हो रहा है, वो भी लगभग एक ही तरह है। हालांकि ब्रह्मांड में होने वाले मैटर डेंसिटी का फ्लक्चुएशन इंसानी दिमाग में होने वाले उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन से काफी बड़े पैमाने पर होता है। वैज्ञानिकों को पता चला कि इंसानी दिमाग में ये फ्लक्चुएशन 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर के अंदर ही सीमित है, पर जब हम ब्रह्मांड में होने वाले फ्लक्चुएशंस के बारे में देखते हैं तो ये 5 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक बड़ा हो जाता है। खैर, इंसानी दिमाग में होने वाले फ्लक्चुएशंस भले ही ब्रह्मांड के फ्लक्चुएशंस के सामने बहुत ही छोटे हो, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक जैसी समानताएं हैं। इंसानी दिमाग और यूनिवर्स की मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज।
अब साइंटिस्ट इंसानी दिमाग और यूनिवर्स के बीच मौजूद मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज को खोजने लगे हैं, और काफी सारी कोशिशों के बाद उन्हें ये पता चला है कि दोनों ही सिस्टम्स में मौजूद नोड्स से फिलामेंट्स के कनेक्शंस कुछ सिमिलर रेशियोस में हैं। 3800 से 4700 नोड्स वाले कॉस्मिक वेव के एक सैंपल में हर एक नोड पर 3.8 से लेकर 4.1 कनेक्शंस मिलते हैं। वहीं 1800 से 2000 नोड्स वाले एक इंसानी कॉर्टेक्स के सैंपल में हर एक नोड में 4.6 से 5.4 कनेक्शंस पाए गए हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कि ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। वैसे इसके अलावा वैज्ञानिकों को ये भी पता चला है कि दोनों ही सिस्टम के अंदर सेंट्रल नोड्स के चारों तरफ क्लस्टर कनेक्शंस भी मौजूद है, और मजे की बात तो ये है कि दोनों ही सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा सिमिलर है। एक इंसानी दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी लगभग 2.5 पेटाबाइट्स के जितना है। वहीं पर ब्रह्मांड के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक जगह स्टोर करके रखने के लिए भी लगभग 4.3 पेटाबाइट्स की जरूरत पड़ती है। वैसे मैं बता दूं कि 1 पेटाबाइट 10 लाख GB के बराबर होता है, तो सोचिए कि हमारा दिमाग आखिर कितना शक्तिशाली है। क्या सच में ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क और कॉस्मिक नेटवर्क ऑफ गैलेक्सीज के बीच कुछ सिमिलैरिटीज मौजूद है? अब जब हमने ऊपर कॉस्मिक नेटवर्क ऑफ गैलेक्सीज और ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क के बारे में बातें छेड़ ही दी है, तो लगे हाथों इनके बीच छिपी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज को भी जान लेते हैं। वैसे अगर है तो इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रांचो वाजा और यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलेटी ने मिलकर सालों तक ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क और कॉस्मिक नेटवर्क ऑफ गैलेक्सीज के बारे में काम किया है। उन दोनों का कहना है कि ब्रह्मांड में कई सारे वॉइड्स यानी कि खाली जगहें मौजूद है, जो कि गैलेक्सीज के क्लस्टर्स सुपर क्लस्टर्स को एक दूसरे से अलग रखने का काम करती है। वैसे इन वॉइड्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि इनके बारे में अभी तक हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, और इसके बारे में जानना शायद इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर को समझने से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। अब आप समझ सकते हैं कि इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड उतने भी सिमिलर नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। द कंक्लूजन। तो गाइज, हमने पूरे वीडियो में देखा कि कैसे एक इंसानी दिमाग और यूनिवर्स आपस में जुड़े हुए हैं या कितना सिमिलर है। 2012 में छपे एक जर्नल में कहा गया था कि यूनिवर्स के स्पेस टाइम का पावर लॉ ग्राफ इंसानी दिमाग के ग्राफ से भी मेल खाता है। हालांकि आने वाले समय में वाजा और फेलेटी के द्वारा किए गए खोज इस टॉपिक को और ज्यादा समझने में काफी मदद करेंगे। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स को चलाने वाले एनर्जी का रूप भले ही अलग अलग हो, पर दोनों के बीच मौजूद समान फिजिकल प्रिंसिपल्स को भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स के बीच अभी भी कई सारे समानताएं हैं जिन्हें अभी ढूंढना बाकी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे न्यूरल नेटवर्क से जुड़े डेटा बाकी हैं जो कि इससे जुड़े कई सारे बातों को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या हमारा ब्रह्मांड भी किसी का ब्रेन हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी मेरी तरह स्पेस वाले टी शर्ट पहनने का शौक है तो सोच के रहो, अभी के अभी हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ और अपने मन पसंद के टी शर्ट, हुडीज या फिर स्वेट शर्ट ले लो। अभी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो करके रहो यार, जल्दी जाके हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।